सोलन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिवस पर फल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन में पूर्व जिला अध्यक्ष राहुल ठाकुर, रमेश ठाकुर, सुरेंद्र सेठी और अमन सेठी विशेष रूप से उपस्थित रहे। ये कार्यक्रम सोलन के चंबा घाट के लेप्रोसिस हॉस्पिटल में आयोजित किया गया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने वहां मौजूद रोगियों का कुशल क्षेम जाना और उनके दुख दर्द भी साझा किए। उन्होंने रोगियों को पेश आ रही दिक्कतों के बारे में जानने का प्रयास किया और जिला प्रशासन से मिलकर उन्हें दूर करने का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर कांग्रेस के नेता अमन सेठी ने कहा कि उनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्म दिवस है, जिसके चलते सोलन के लेप्रोसिस हॉस्पिटल में देश के लिए जान न्यौछावर कर चुके जवान शहीदों के लिए मौन रखा और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं रोगियों को खाना, फल और ग्लव्स, सैनिटाइजर भी वितरित किए गए, ताकि यहां मौजूद रोगी कोरोना संक्रमण से बचे रहें और उन्हें किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। जैसा कि आज हमारे पूर्व उपाध्यक्ष हमारे श्री राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, लेकिन जो हमें पार्टी से देश निर्देश प्राप्त हुए हैं दिल्ली से कि उनका जन्मदिन कोई धूमधाम से नहीं मनाना है, और हमने आज जो उनके निर्देश के अनुसार जो हमारे जवान शहीद हुए हैं चाइना बॉर्डर पे, उनके लिए पहले 2 मिनट का मौन रखा। उसके उपरांत हमने फिर यहाँ पर अपना चंबाघाट लेप्रोसी हॉस्पिटल में, हमारे जो लेप्रोसी हॉस्पिटल में जो मरीज हैं उनको हमने फूड किट्स डोनेट करी, सैनिटाइजर डोनेट करा और हमने मास्क डोनेट करे हैं।